हेलो स्टूडेंट्स, सो आप सभी को इस बोर्ड पर दो फोटोज दिखाई दे रही हैं, जिसमें एक फोटो में आपको दिखाई दे रहे होंगे कलरफुल मार्बल्स और दूसरी फोटो में आपको दिखाई दे रही होगी एक कप ऑफ टी। दोनों ही फोटोज को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप उसमें क्लियरली देख सकते हैं कि एक फोटो से आप कलर्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी फोटो को देखकर आप ये क्लियरली बता सकते हैं कि कौन से कलर इस फोटो के अंदर प्रेजेंट है। जबकि अगर हम कप ऑफ टी की तरफ देखते हैं तो वो हमें हर एक एंगल से एक जैसा दिखाई देता है, जो कि ब्राउन कलर है। जबकि अगर मैं कप ऑफ टी के फॉर्मेशन, यानी जब हमने उस चाय को बनाया होगा तो इसके अंदर हमने टी लीव्स यूज किया है, इन टी लीव्स के साथ मैंने शुगर ऐड किया है और शुगर के साथ मैंने वाटर भी ऐड किया होगा, और सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट दैट इज मिल्क, जो कि ऑब्वियसली व्हाइट कलर का होता है, वो सब हमने इसके अंदर मिक्स किया, तब जाके हमें ये कप ऑफ टी प्रिपेयर होकर आई। लेकिन जब ये प्रिपेयर हो जाएगी, जब हम इसको कप में पोर कर देंगे, तो हमें इसका जो कलर दिख रहा है क्लियरली वो ब्राउन इन कलर, यानी हर एक पॉइंट पे अगर इस कप को देखा जाएगा तो ये हमें यूनिफॉर्म दिखाई देगा। दिस कप ऑफ टी इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है जिस भी एंगल से देखा जाए एक समानता है, यूनिफॉर्मिटी है, और इसी टर्म को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम डिफाइन कर देते हैं होमोजीनियस, यानी कि ये जो कप ऑफ टी है ये हमारे पास एक या एक से ज्यादा तरीके के कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है, यानी इसके अंदर हमने टी ऐड किया है, इसके अंदर हमने मिल्क ऐड किया है, लेकिन जब हमने ये पूरा का पूरा मिक्सचर प्रिपेयर कर दिया है तो इस मिक्सचर के अंदर हमारे पास एक यूनिफॉर्मिटी है, जिसको हम होमोजेनिटी भी कहते हैं। तो पॉइंट ये आता है कि सॉल्यूशंस जो है अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारे पास मार्बल की पिक्चर है ये एक सॉल्यूशन काउंट नहीं होगी, लेकिन ये जो टी है ये हमारे पास एक सॉल्यूशन काउंट हो जाएगी। और इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो टी है दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, यानी सॉल्यूशन को हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट्स जो हैं वो मिक्स्ड अप होते हैं। जबकि अगर मैं इस मार्बल की पिक्चर को बात करूं तो ये मिक्सचर जरूर है, लेकिन ये मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस ना होकर दिस इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस का मतलब है जिसमें आप एक या एक से ज्यादा चीजें आपने मिलाई हैं, लेकिन वो चीजें अच्छे से नहीं मिली हैं, यानी उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इसीलिए हम उसको बोल देते हैं नॉन यूनिफॉर्म। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म समझने के लिए जो हमारे पास आती है कि यहाँ पे हमने जो टी, वाटर, मिल्क ये सब लिखे हैं, ये हमारे सोल्यूशन के कॉम्पोनेंट्स होते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट आर दी वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन। सो अगर हम डिफाइन करें मेजरली दो ही तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज द सॉल्यूट व्हाइल द अदर इज कॉल्ड एज द सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो है वो हमारे सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है दैट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, यानी जिसको हमने कम अमाउंट में अपने सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया है, जबकि सॉल्वेंट जो है दैट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट और वी कैन कॉल इट एज मोर इन कंपेरेटिव टू द सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक टी प्रिपेयर की है, या फिर सपोज कीजिए हमने एक शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है। नाउ व्हेन आई से शुगर सॉल्यूशन दैट मींस मैंने एक कंटेनर के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया है, लेट अस टेक मैंने 1 लीटर वाटर ले लिया है और इस 1 लीटर वाटर के साथ मैंने 2 स्पून्स ऑफ शुगर ऐड कर दिया। सो शुगर दैट इज इन लेसर अमाउंट विल बी रिगार्डेड एज द सॉल्यूट एंड वाटर विल बी रिगार्डेड एज द सॉल्वेंट। इसी तरीके से हम सॉल्यूशंस बना सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन जैसे हमने बनाया है उसी तरीके से वी कैन हैव सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन में द ओनली डिफरेंस विल बी कि हम शुगर की बजाय हम यहां पर ऐड कर देंगे एक सॉल्ट को। फॉर एग्जाम्पल हमने सॉल्ट को ऐड कर दिया है वाटर के अंदर, वो
उसी तरीके से हमारे पास और भी अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि हम अगर जूस की बात करते हैं, जूस भी हमारे पास एक सॉल्यूशन का ही एग्जांपल होते हैं। फिर अभी हमने बात करी थी टी की, टी इज ऑल्सो अ एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन ओनली। नाउ जितने भी अभी हमने एग्जांपल्स की बात करी है, रादर इट बी सॉल्ट सॉल्यूशन और इट बी शुगर सॉल्यूशन और इट बी जूसेस और इट बी टी, ऑल दीज काइंड ऑफ सॉल्यूशंस आर प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट। यानी जितने भी सॉल्यूशंस मैंने लिखे हैं इस स्क्रीन के ऊपर, वो सारे के सारे अगर आप देखेंगे उनकी फिजिकल स्टेट लिक्विड। पॉइंट ये आता है कि हमारे पास जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं, क्या वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट करेंगे? यानी कि कोई भी अगर मैं सॉल्यूशन को लिखती हूँ तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्टेट में आएगा? सो दिस आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अ बिग नो। हर एक सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में हो ऐसा जरूरी नहीं है। सॉल्यूशंस जैसे कि हमारे पास तीन फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, उसी तरीके से वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, जिसमें कि सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास आती है सॉलिड सॉल्यूशन की, देन वी हैव लिक्विड सॉल्यूशन, एंड दी थर्ड कैटेगरी इज ऑफ दी गैशियस सॉल्यूशन। यानी कि जैसे कि हमारे पास तीन फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती हैं, उसी तरीके से हमारे पास अलग अलग फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट करेंगे। नाउ क्विकली लेट अस डिस्कस अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सो द फर्स्ट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज द सॉलिड सॉल्यूशन। The first category that we're discussing is solid solution. Now, when I write solid solution, it clearly indicates that the solvent that you have, that is in the solid state, whereas the solute will vary from solid to the gaseous state. So, first category that we're talking about is where we have the solvent as well as the solute, both are present in the solid state. Now the example of this particular solution is a very important component that we generally use in our daily life, and that is the ornamental gold. So ornamental gold is generally not pronounced like this. We generally heard the terms like 22 carat gold and 24 carat gold. जनरली हम इन टर्म्स से इस वर्ड को समझना ज्यादा इजी रहेगा। 24 कैरेट हो या 23 कैरेट हो, 24 कैरेट गोल्ड जनरली आपने सुना होगा कि आपके जो ज्वेलर्स होते हैं वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, और इसको हम ज्वेलरी के प्रिपरेशन के लिए, ज्वेलरी को बनाने के लिए यूज नहीं करते। वेयर एज 22 कैरेट जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, और इसी को हम यूज करते हैं ज्वेलरी पर्पसेस के लिए। यानी आपके ज्वेलर जो है वो आपको जनरली ये कहते होंगे कि दो तरीके के गोल्ड। अब ये दो तरीके के गोल्ड का मतलब कुछ नहीं है, दोनों के अंदर ही प्रेजेंट तो ऑब्वियसली हमारे पास अपना मेटल गोल्ड ही होता है। बट द ओनली डिफरेंस इज दैट कि जो 22 कैरेट वाला गोल्ड है उसके साथ हम कुछ अमाउंट ऑफ कॉपर को मिक्स कर देते हैं। यानी दिस ऑर्नामेंटल गोल्ड इज नथिंग, इट इज द कॉपर मेटल दैट इज मिक्स्ड विद अ गोल्ड मेटल, एंड वी गेट अ अलॉय दैट वी रेफर टू एज द ऑर्नामेंटल गोल्ड। Now, what are we doing in this particular mixture is that we are taking gold, that is obviously in larger amount, that is the solvent, and we are adding up some amount of solute that we have considered as copper, and then we are making a solution of both the metals, and that solution we are defined as ornamental gold. Now you can clearly see that the physical state of this particular solution is in the solid state. Hence, it becomes an example of your solid solution. The next example of a solid solution is where we have mixed a solvent is present in the solid state. The next example that we are discussing is where we have the solvent
in the solid state only, but we have changed the physical state of the solute that we are using. Now the solute that we are using is present in the liquid state. So the example of this particular solution is amalgam. You might have heard the word amalgam in the catalyst reactions, where amalgam is used as a catalyst. Now what is amalgam? The amalgam word is generally described, the amalgam has amalga that is used to describe the mercury metal, and this mercury metal is mixed with solid, that is sodium metal it is mixed with. Now amalgam, that is your mercury, is present in the liquid state, and this liquid is the solute, whereas the sodium that is in the solid state, it becomes the solvent. So when we are mixing both of them, we are making a solution which we define as amalgam, and it gives us homogeneity, due to which we use amalgam as a catalyst. The next category is where we have the solvent in the solid state only, but the solute that we are using, that is present in the gaseous state. Now the example of this particular solution is where we have the solution of hydrogen and palladium. Hydrogen with palladium metal. This is a very important catalyst that we used in the hydrogenation of alkene. Hydrogenation of alkene, that means double bond से single bond convert करने के लिए हम इसको use करते हैं, जिसमें hydrogen जो हम use कर रहे हैं वो gaseous state में है और वो हमारा solute हो जाता है, whereas जो solvent हम use कर रहे हैं वो है हमारे पास palladium, which is in the metals, metallic state, or we can define as the solid state. So ये भी हमारे पास एक example बन जाता है अपने solid solutions का. जो नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है स्टडी करने के लिए वो है हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशंस, जिसके एग्जांपल्स अभी हमने सारे डिस्कस किए हैं, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन हो, सॉल्ट सॉल्यूशन हो. इसमें भी हम तीन डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ेंगे. पहली कैटेगरी होगी जिसमें हम जो सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में हो, वेयरएज सॉल्वेंट जो है वो हमारे पास लिक्विड स्टेट में ही प्रेजेंट है. इसका बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल अभी जो हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, ये सभी के सभी हमारे पास एग्जांपल थे लिक्विड सॉल्यूशन के. इसी के अंदर हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी है जिसमें हम एक लिक्विड सॉल्यूट को एक लिक्विड सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर रहे हैं, यानी एक लिक्विड सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ही लिक्विड स्टेट में हम यूज कर रहे हैं. इसमें हम यूज लिख सकते हैं इथेनॉलिक सॉल्यूशन. इथेनॉलिक सॉल्यूशन का मतलब है जिसमें हम C2H5 दैट इज इथेनॉल को यूज कर रहे हैं वाटर के साथ. इथेनॉल भी लिक्विड स्टेट में है और वाटर भी लिक्विड स्टेट में है. इथेनॉल बीइंग अ सॉल्यूट, उसका कम अमाउंट है, और वाटर जो है वो हमारे पास जाहिर सी बात है आवर सॉल्यूट है. इसके अंदर तीसरी कैटेगरी है जब हम सॉल्यूट जो है वो यूज कर रहे हैं गैसीय स्टेट में, और सॉल्वेंट जो है वो हमारे पास लिक्विड स्टेट का. इसका बहुत अच्छा और बहुत फेमस एग्जांपल जो हमारी डेली लाइफ में है, और वो है ऑक्सीजन डिसॉल्वड इन वाटर, यानी कि डिसॉल्वड ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जिससे हमारी सारी की सारी एक्वेटिक लाइफ सस्टेन करती है, डिसॉल्वड ऑक्सीजन जिसको हम बोलते हैं. ओके, सो ऑब्वियसली जो जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उन सभी के अंदर कोई ना कोई परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्वड रहता है, जिसकी वजह से आपकी एक्वेटिक लाइफ हो, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो सभी के सभी सस्टेन करते हैं. द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इज द गैसियस सॉल्यूशन, जिसमें हमारे सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो गैस हो गई है. इसके अंदर भी हमारे पास तीन कैटेगरी है. पहली कैटेगरी में हम अपने सॉल्यूट को सॉलिड स्टेट में यूज कर रहे हैं, और सॉल्वेंट जो है हमारे पास दैट इज इन द गैसीयस स्टेट. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कैम्फर विद नाइट्रोजन. कैम्फर जिसको हम
कपूर बोलते हैं, यूज करते हैं हम अपने स्पिरिचुअल पर्पसेस के लिए, जिसको हम कपूर भी कहते हैं। और ये जो है होता है ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है, जबकि नाइट्रोजन जो है दैट इज इन गैसियस स्टेट। सो ये सॉलिड स्टेट में रह जाता है हमारा सॉल्यूट, और गैसियस स्टेट में हमारे पास N2 होता है एज द सॉल्यूट। इसके अंदर जो नेक्स्ट कैटेगरी है, जो सेकंड कैटेगरी है गैसियस सॉल्यूशन की, वो तब है जब हमने सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट को कन्वर्ट कर दिया है लिक्विड में, और जो हमारे पास सॉल्वेंट प्रेजेंट है वो है हमारे पास गैसियस स्टेट। सो इसका काफी अच्छा एग्जांपल है जब हम क्लोरोफॉर्म को मिक्स कर देते हैं N2 गैस के साथ। क्लोरोफॉर्म लिक्विड है, सॉल्यूट है, और N2 गैस है, वो हमारे पास सॉल्वेंट है। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है जब हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही गैसियस स्टेट में हो जाएं, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, बोथ आर प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट। इसका एग्जांपल है हमारी एयर। एयर जो है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसके अंदर बहुत सारी तरीके की गैसेस होती हैं। तो हम किसी को भी सॉल्यूट और किसी को भी सॉल्वेंट काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल O2 होता है, N2 होता है, CO2 होता है। तो ये सारी की सारी गैसेस जो है वो आपकी मिक्सड अप होती है एयर के अंदर, और इनका अलग अलग परसेंटेज होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो सॉल्यूट काउंट हो जाएगा और बाकी सारे अपना सॉल्वेंट काउंट हो जाएगा। सो दीज वर दी ऑल थ्री कैटेगरीज ऑफ द सॉल्यूशन जो हमारे पास होती है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि हमने ये कहा कि हम जितने भी एग्जांपल्स लिखे हैं वो सभी के सभी आप चलिए देखोगे दो ही कॉम्पोनेंट्स है, एक में सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट, हर जगह हमने इसी तरीके के एग्जांपल्स पढ़े। लेकिन अगर हम प्रीवियसली देखें जाके स्लाइड्स पर, जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो टी प्रेजेंट है वो हमारी टी लीव से बनी है, शुगर से बनी है, वाटर से बनी है, मिल्क से बनी है, यानी इसके अंदर दो से ज्यादा कॉम्पोनेंट्स हैं, यानी कि सॉल्यूशन जो है उसके पास, टी की अगर मैं बात करूं तो उसके पास मोर देन टू कॉम्पोनेंट्स है। हमने ये कहा कि कॉम्पोनेंट सिर्फ दो हैं, कॉम्पोनेंट्स में आ गया सॉल्यूट और दूसरा आ गया सॉल्वेंट, लेकिन टी जो है वो एक ऐसा एग्जांपल हमने लिखा था जिसमें दो से ज्यादा कॉम्पोनेंट्स थे। तो क्या तब भी टी जो है वो काउंट होगा एज अ सॉल्यूशन? इज इट कॉल्ड अ सॉल्यूशन? So the answer to this question is yes, it is a solution. Now this is a different category of solution. For example, अगर हम बात करते हैं उन solutions की जिनके अंदर solute भी एक ही हम use कर रहे हैं, solvent भी एक ही हम use कर रहे हैं, यानी कि हमने अपने solution को prepare करने के लिए जो components use करे हैं उन दोनों का sum जो है वो दो है, इस type के solutions को हम बोलते हैं binary solution। जैसे कि अभी हमने लिखा था शुगर सॉल्यूशन का, सॉल्ट सॉल्यूशन का, ये सारे के सारे वो एग्जांपल्स है जिसमें हमने दोनों कंपोनेंट्स यूज किए थे। अब सपोज कीजिए हमने सॉल्यूट जो है वो दो लिए ली है, लेकिन सॉल्वेंट जो है वो हमने एक ही यूज किया है। फॉर एग्जांपल ऐसा समझिए कि आप लेमनेड बना रहे हैं, लेमनेड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, वाटर में कुछ शुगर ऐड कर देते हैं, उसको डिसॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा लेमन ऐड कर देते हैं, तो जो लेमन हम ऐड करें वो एक दूसरा सॉल्यूट हो जाएगा, यानी अब मेरे सॉल्यूशन में तीन कॉम्पोनेंट हो गए। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम डिफाइन करते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी मतलब जिसके अंदर सॉल्यूशन में तीन कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट है टोटल। तीसरी कैटेगरी आ जाती है जब हम सॉल्यूट के तीन कॉम्पोनेंट कर देते हैं और सॉल्यूट सॉल्वेंट जो है हमने लिया है वो एक ही है। जैसे लेमनेड आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने शुगर ऐड कर दिया है, आपने लेमन ऐड कर दिया और अब आपने उसके अंदर थोड़ा सा पिंच भर सॉल्ट भी ऐड कर दिया, तो आपके पास तीन सॉल्यूट हो गए लेकिन सॉल्वेंट एक ही है दैट इज वाटर। तो टोटल कंपोनेंट्स का सम हो गया चार। इस तरीके के सॉल्यूशन को हम डिफाइन करेंगे क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जिनमें टोटल कंपोनेंट्स का सम इज इक्वल टू 4। सो ये हमारे पास तीन कैटेगरी हो जाती है जिसमें हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब पॉइंट याद है कि सपोज कीजिए हमें सिंपल बोला है कि एक सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है, वो बाइनरी है, टर्नरी है, क्वार्टरनरी है, इसकी कोई स्पेसिफिकेशन हमें दी नहीं। तो जब भी ऐसा होता है जहां पर the number of components of solution are not mentioned, जहां पर आपको क्लियरली मेंशन नहीं करते हैं कि कितने कॉम्पोनेंट्स ने बनाया है,
तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसे बाइनरी सॉल्यूशन ही कंसिडर करना है. यू हैव टू कंसिडर द सॉल्यूशन एज बाइनरी, यानी जहां पर क्लियरली इंडिकेटेड है कि वो टर्नरी है, क्वार्टरनरी है, या जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं, तब तो आप उस क्वेश्चन को उसी तरीके से करेंगे. लेकिन अगर यहाँ पर कहीं पर भी नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में नहीं मेंशन किया है, तो आप वहां पर हमेशा उसे बाइनरी सॉल्यूशन की कैटेगरी में ही कैटेगराइज कर देंगे.